जब तुम थक जाओ तो कुछ देर अल्लाह के सामने रो लिया करो, मुश्किलों का वजन घट जाएगा। हालात कैसे भी हो, बस सब्र करना सीख लो, मुश्किल घड़ी भी आसान हो जाएगी। सिर्फ अल्लाह ही है जिससे जितनी झुक कर मोहब्बत मांगी जाए उतनी ही बुलंदी नसीब होती है। मेरे अल्लाह फरमाते हैं, सिर्फ कुरान ही है जो तुम्हें सही जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है। फज्र अदा करने वालों पर अल्लाह की बेशुमार रहमतें बरसती है। गम ना करना कि दुनिया आपके साथ नहीं, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। सबर तभी आता है जब इंसान अल्लाह की रजा में राजी हो जाता है। कुरान जन्नत का रास्ता है, कुरान पढ़ने से रूह पाक होती है। बेशक अल्लाह की मोहब्बत आपको तमाम बुरे कामों से रोकती है। जब भी दुआ मांगो अपनी औकात देख कर नहीं, बल्कि अपनी रब की शान देख कर मांगो। इतनी काबिल कहाँ थी मैं जितना मेरे रब ने नवाज दिया मुझे। अंधेरी रात के आंसू अल्लाह से बात करते हैं। नींद बदन को सुकून देती है और नमाज रूह को सुकून देती है। सबर का रास्ता चुन लो, सबर की मंजिल जन्नत है। वह सिर्फ इबादत वालों का रब नहीं है, नदामत वालों का भी रब है। क्या तुम्हें पता नहीं अल्लाह सब कुछ कर सकता है। मेरे अल्लाह मेरे साथ है, फकत इन लफ्जों ने मुझे हिम्मत दी। रास्ता नजर ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है। अल्लाह के आगे रोने से दर्द सुकून में बदल जाता है। सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा उसे याद नहीं रखना पड़ता। जिंदगी वो कहानी है जिसमें मन चाहे किरदार नहीं मिलते। ये ना पूछना जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब देती है।